किया को ज्यादा सक्सेस मिली उसका मेरे पॉइंट व्यू से ये है। हे गाइस, वेलकम टू मिस्टर कार्डिनल चैनल। मैं अक्षय पटेल और आपके सामने की ऐसी कार जिसने किया को पूरे इंडिया में सक्सेस दिलाई बहुत ही शॉर्ट टाइम में। जब भी ये लॉन्च हुई तब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, लोगों ने दिल खोल के इसको परचेज किया है और साथ में थोड़ी दिक्कतें भी आई थी। तो क्या किया ने अभी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है या क्या इतनी मैच्योर कंपनी वो साबित हो पाई इंडिया में, वो सारे बातें करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं वीडियो। वेलकम फ्रेंड्स, किया सेल्टोस के बारे में बात करते, किया सेल्टोस ने किया को सक्सेस होने की में इंडिया में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इस कार की वजह से किया को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और लोगों ने इसको पसंद भी किया है। तो सबसे पहले इसके लुक से शुरुआत करते हैं। तो लुक के बारे में बात करो तो आगे की साइड जब आप देखोगे तो पूरा अपीलिंग लगता है और इसकी जो लुक है वो आपको एसयूवी टाइप लगती है। और इसकी जो टाइगर नोज की ग्रिप है ये आपको देख सकते हो, तो ये टाइगर नोज के जितना लगता है तो वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको लगेगा। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर इसकी हेडलाइट्स के बारे में, तो हेडलाइट्स आपको मिल जाएगी यहाँ पर, डे टाइम रनिंग लैंप मिल जाएगी, साइड इग्निशन लाइट मिल जाएगी। थोड़ा बहुत सेटअप उसके वेरिएंट के हिसाब से रहता है, अगर आप इसका जो जीटी लाइन है वो लेते हैं तो आपको वहाँ पर थोड़ा आगे की साइड भी चेंजेस दिखेगा। यहाँ पर आपको फॉग लैंप मिल जाएंगे। इसकी जो अप्रोच एंगल है वो बहुत ही कम है, आप देख सकते हो, तो इसकी अप्रोच एंगल बहुत ही कम, इसकी वजह से अगर आप ज़्यादा ख़राब रास्ते हो तो वहाँ पर आप जागोगे तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कार नीचे टच ना हो, लोगों को वो ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। बाकी सब आप आगे के लुक से देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा दिखने वाली है कार। जो इसकी माइलेज है उसको 16 किलोमीटर प्रति लीटर की आपको माइलेज मिलती है जो कंपनी क्लेम करती है, लेकिन कस्टमर के रिव्यू के हिसाब से यहाँ पर 18 के ऊपर उनको माइलेज मिलती है, तो आपको यहाँ पर माइलेज ऐसे खासी मिल जाएगी। और जो किया और होंडा के बारे में बात करूँ तो स्पेशली तो वो लोग ट्रांसमिशन ऑप्शन आपको ज़्यादा दे देते और इंजन के ऑप्शन भी ज़्यादा देते, तो कस्टमर को कुछ ऐसा नहीं लगता कि मुझे ये वेरिएंट चाहिए था, मुझे ये इंजन चाहिए था, मुझे ये ट्रांसमिशन चाहिए था, वो मिलता नहीं है इस सेल्टोस या कोई किसी भी कार में। तो किया और होंडा का ये प्लस पॉइंट है कि आपको सारे इंजन ऑप्शन मिलते हैं और सारे ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको ऑप्शन ज़्यादा होने की वजह से आप अपना वेरिएंट है वो चूज़ इजीली कर सकते हो। तो एक अच्छी बात है, यहाँ पर टर्बो मिलता है, डीजल इंजन मिलता है, पेट्रोल इंजन मिलता है, तो यहाँ पर ये सारे इंजन ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब बोनेट के ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पर इंसुलेशन ऐसा कुछ देखेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत इंजन नॉइस आने के चांसेस है। आपको जीटी वेरिएंट में यहाँ पर अच्छा खासा इंसुलेशन मिलता है, तो आपको यहाँ पर कैबिन नॉइस मीन्स के इंजन नॉइस जो होता है वो आपको यहाँ पर नहीं आएगा। कार के अंदर जब कैबिन में बैठते हो तो आपको वो दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन इस वेरिएंट में आपको थोड़ी बहुत इंजन नॉइस आ सकती है, क्योंकि इसके बोनेट के ऊपर जो इंसुलेशन होना चाहिए नीचे की साइड वो है नहीं। इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पर 16 इंच के इसके एलॉय व्हील मिल जाएगी, और यहाँ पर देखोगे तो जो इसकी साइज़ है वो अच्छी खासी मिल जाएगी। और आपको आगे की साइड और पीछे की साइड दोनों की साइड इसकी जीटी लाइन में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, लेकिन ये वेरिएंट में आपको आगे साइड ही आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं। इसकी जो ओ आर वी एम के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर बॉडी कलर ब्लैक कलर और साइड इग्निशन लाइट भी ORVM के ऊपर मिलती है। इसकी रियल लाइट के बारे में बात करूँ तो रियल लाइट आपको यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर दिखेगी, और जो उसका पीछे का लुक भी है वो भी आपको कुछ माइनस पॉइंट ऐसा नहीं लगेगा। पीछे का लुक से भी ये सेल्टोस बहुत ही अच्छी दिखती है, मीन्स सेल्टोस दिखने में इसमें जो कॉस्मेटिक डिज़ाइनिंग की हुई है जो इसके एलिमेंट्स वो बहुत सारे अपीलिंग लगते हैं इस डिज़ाइनिंग में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फेक एग्जॉस्ट आपको दोनों साइड देखने को मिल जाएगी, ये फंक्शनल नहीं है, मैन एग्जॉस्ट आपको नीचे की साइड देखेगा। और जो इसका डिपार्चर एंगल है, डिपार्चर एंगल आपको पीछे से अच्छा खासा यहाँ पर ऑफर होता है। यहाँ पर एक सेल्टोस की बीजिंग मिल जाएगी, किया का बीजिंग यहाँ पर लोगो मिल जाएगा। ये लोगो चेंज होने वाला है, मार्च के बाद आपको किया का नया लोगो कारों में आने लगेगा। यहाँ पर आपको ब्रेक माउंटेन लाइट मिल जाएगी, सार कैंटीना मिल जाएगा, रूफ रेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, रियर साइड के ऊपर वाइपर डिफॉगर ग्लास मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिड वेरिएंट से ही मिलना स्टार्ट हो जाती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें मिड वेरिएंट से आपको देखने को मिल जाती है। डिज़ाइन किए हुए वो आपको कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है, लेकिन जो ये नॉब है ओपन करने का डोर वो अच्छा खासा यहाँ पर अब मार्केट लगता है। जो इसकी डिज़ाइन है यहाँ पर सिल्वर पैटर्न में दिया है वो अच्छा लगता है। जो कंट्रोल से ग्लास को आपको अप डाउन करना है वो कर सकते हो, ऑटोमेटिकली डाउन हो सकता है यहाँ पर, वो और इनके एडजस्ट के कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कुछ सामान वगैरह इसको ओपन या क्लोज करने के लिए ये डस्टबिन बाहर से लिए हुए एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ पर बॉटल वगैरह भी एक चीज़ दिक्कत है यहाँ पर, बोतल आप आसानी से नहीं रख सकते क्योंकि बोतल बाहर आ जाने के चांसेस रहते हैं। जो मैंने पहले ड्राइव की थी उसमें सीट आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाएगी, और इसको आगे पीछे करना है तो वो भी कर सकते हो, और इसका थाई सपोर्ट वो अच्छा खासा है आपको यहाँ पर मिलने वाला है, वो मैं बैठ के ही बताऊँगा इसका थाई सपोर्ट कैसा है। तो यहाँ पर दूसरी एक बात करूँ
तो ये चीज़ आपको हेडलाइट को एडजस्ट करना है वो कर सकते हो। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको इस मिड वेरिएंट से मिलना हो जाएगा शुरू। स्टीयरिंग के ऊपर जो ये राइट साइड के ऊपर जो स्विच है वो आप यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने के बाद आपको उसका जो चेंज है वो आपको क्लस्टर में देखने को मिलेगा कि इसके अंदर क्या क्या है, कितना जो इसकी स्पीड है वो डिजिटल एमआईडी में दिखाई देगी। जो इसका डोर लाइट्स वो सारी सेटिंग्स आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जो इसकी मूड लाइट्स है वो भी चेंज कर सकते हो। सर्विस की इंटरवल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको क्लस्टर में देखने को मिल जाएगी। इसके क्लस्टर के बारे में बात करो तो क्लस्टर के लेफ्ट साइड के ऊपर आपको आरपीएम मीटर मिलता है, टेम्परेचर मीटर मिलता है और राइट साइड के ऊपर आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर मिलता है और फ्यूल गेज भी आपको मिल जाएगा। और जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो आपको एमआईडी में देखने को मिलती है। फिर से स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड के ऊपर आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल से वो आपको मिल जाएगा। ये जो नोब है वो अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। जो पियानो ब्लैक में जो लगने चाहिए वो प्रीमियम थोड़ा लगता है, वो आपको एक अच्छी प्लस चीज़ है। यहाँ पर आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलाइट्स मिलते और वो आपको वाइपर भी यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटो हेडलाइट्स भी आपको मिलेंगे। अब बात करो यहाँ पर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करो तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी आप जब वेरिएंट चेंज करते हो तो थोड़ा बहुत चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फुल टच भी आता है तो इसको आपको रेडियो मीडिया आपको चेंज करना है ट्रैक तो वो वहाँ से कर सकते हो, सेटअप करना है तो वो कर सकते हो। ये सारी मेनू की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो इसका टच रिस्पॉन्स है वो मैं आपको बता दूँ, टच रिस्पॉन्स में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा खासा आपको यहाँ पर टच रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यहाँ पर एसी वेंट्स मिल जाएगी, एसी वेंट्स के ऊपर यहाँ पर सिल्वर का फिनिशिंग टच भी मिलेगा, ब्लैक पियानो ब्लैक मिलेगा। और यहाँ पर थोड़ी बहुत डिज़ाइन एलिमेंट आप देख सकते हो जो कैमरे में दिखाई देगी। ये पियानो ब्लैक में थोड़ा अपीलिंग लगता है, कुछ लोगों को शायद पूरा प्लान देते तो वो अच्छा रहता है। आपको सभी जगह पर हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, आपको जी टी लाइन लेते हो तो वहाँ पर आपको सॉफ्ट प्लास्टिक यहाँ पर मिलता है। कूलिंग और हीटिंग कर सकते हो, उसके जो फ्लो चेंज करना है वो कर सकते हो, फ्लो की डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। एसी ऑन ऑफ करने के बटन्स मिल जाएंगे। यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है, यूएसबी पॉइंट मिलता है, मोबाइल चार्ज करने के लिए भी पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर ऊपर की साइड के ऊपर आपको जीटी लाइन में जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है। और यहाँ पर आप मोबाइल वगैरह कुछ रखना हो तो रख सकते हो। तो स्पेशली ये बात करूँ तो इस साइड के ऊपर ये चीज़ एलिमेंट है तो यहाँ पर ड्राइवर साइड के ऊपर नहीं है। ये अच्छी बात है क्योंकि ड्राइवर साइड के ऊपर ड्राइवर के लेग यहाँ पर टच होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हैरियर में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पर जो किया ने वो अच्छा वर्क किया है, वो आपको अपीलिंग लगे। यहाँ पर पियानो ब्लैक में फिनिश देखने को मिलता है। स्पेशली गियर के बारे में बात करूँ तो आपको 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स आपको मिलेगा। तो जो इसका मैनुअल गियर बॉक्स है वो तो आपको थोड़ा क्लच इसका हार्ड लगता है। सीट के बारे में बात करो, सीट का थाई सपोर्ट आपको अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाएगा। जो इसका पोजीशनिंग है सीट की, जो आपको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जो इसका इंटीरियर है पूरा वो अच्छा खासा मिलेगा आपको। यहाँ पर थोड़ा क्वालिटी इश्यू नहीं लगेगा क्योंकि जो हुंडई की क्वालिटी, जो इंटीरियर क्वालिटी रहती है, फिट एंड फिनिश, जो इसका डिज़ाइन में वर्क रहता है वो बहुत अच्छा खासा आपको मिलता है। तो आपको इंटीरियर में कुछ दिक्कत वगैरह ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि मिड वेरिएंट से अच्छी जो भी कस्टमर को ज़रूरत की चीज़ें है वो आपको मिल जाएगी। इसका जो सन वाइजर के ऊपर आपको ड्राइवर साइड के ऊपर कोई मिरर ऐसा कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पर सनग्लास रखने के लिए होल्डर आपको मिल जाएगा, रीडिंग लैंप मिल जाएगी। आपको पैसेंजर साइड के ऊपर आपको एक मिरर मिलता है तो वहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन लाइट एक्स्ट्रा कुछ ऐसा मिलती नहीं है। यहाँ पर कप होल्डर है, आपको बॉटल वगैरह कुछ रखना हो तो रख सकते हो। मैनुअल हैंड ब्रेक भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको स्पेस अच्छी खासी मिलती है। अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट है तो आपको यहाँ पर एयर प्योरीफायर मिलता है। इसके ग्लोव बॉक्स के साइज़ के बारे में बात करें तो ग्लोव बॉक्स की साइज़ आपको डिसेंट साइज़ में आपको ग्लोव बॉक्स की साइज़ यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसके रियर सीट के ऊपर इसका कंफर्ट कैसा है वो बात करेंगे तो सेल्टोस की रियर सीट के ऊपर आपको एसी वेंट्स मिल जाएगी, चार्जिंग पॉइंट मिलता है, कुछ मोबाइल वगैरह रखना हो तो रख सकते हो। रियर सीट के ऊपर आपको पॉकेट मिल जाएगा सीट के पीछे, और आपको स्पेस अच्छी खासी मिलती है। मेरी हाइट के हिसाब से आपको स्पेस अच्छी खासी यहाँ पर मिलती है। मेरी हाइट है 5'5" है तो नी रूम भी अच्छा खासा मिल जाएगा, लेग रूम भी अच्छा खासा मुझे मिलता है। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। जो इसका हेड स्पेस भी आपको यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाएगा। 6 feet का इंसान होगा तो भी इसको शायद दिक्कत नहीं होगी। इसकी बूट स्पेस के बारे में बात करें तो बूट स्पेस है इसकी 433 लीटर्स की आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिलेगी, तो अच्छी खासी बूट स्पेस मिलती है। और जो इसकी हाइट है, जो इसकी पोजिशनिंग है वो अच्छी खासी मिलेगी क्योंकि आपको कुछ सामान वगैरह निकालना हो तो निकाल सकते हो आसानी से। बैग हैवी बैग है तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको यहाँ पर लाइट्स मिल जाएगी, अगर नाइट में भी कुछ चेन टायर निकालना है या कुछ सामान वगैरह निकालना है तो निकाल सकते हो। आपको थोड़ा वो हुक देखने को मिल जाएगा। तो इसका
स्पेयर व्हील है वो स्पेयर व्हील आपको नीचे की साइड के ऊपर मिलते हैं। तो इसके टेस्ट ड्राइव के वक्त इसका परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका स्टेयरिंग है वो आपको सिटी और हाईवे के हिसाब से आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जब इसको आप स्पीड बढ़ाते हो तो इसका अच्छा खासा वेट आ जाता है, लेकिन और थोड़ा वेट आता तो इसके अच्छा रहता, क्योंकि इसका थोड़ा हैवी होना ज़रूरी है कि जब आप इसको हाई स्पीड के ऊपर ड्राइव करते हो। और वैसे भी Hyundai का स्टेयरिंग आप बहुत ही लाइट आता है, तो उसके हिसाब से जब बस इसको स्पीड हाईवे के ऊपर ड्राइव करते हो तो उसका वेट आ जाता है, उतना दिक्कत नहीं रहेगी आपको, लेकिन और थोड़ा आता है तो वो बढ़िया रहता है। इसके हैंडलिंग के बारे में बात करूँ तो हैंडलिंग अच्छी खासी मिल जाएगी। और इसका सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करूँ स्पेशली, जो कई लोगों की दिक्कत है, कई लोगों की कंप्लेन है, जब आप इसको इसके अंदर बैठते हो ड्राइव करते हो तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जो इसका सस्पेंशन सेटअप है वो ख़राब रास्तों के लिए नहीं है। ऑफ रोड मीन्स कि जहाँ पर रास्ते बहुत ख़राब हो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, थोड़ा ऊपर भी रास्ता ख़राब हो तो आपको यहाँ पर स्टीप सस्पेंशन इसके लगने वाला है। लेकिन जब आप इसको हाईवे के ऊपर ज़्यादा ड्राइव करते हो 100-120 तो आपको वहाँ पर वो अच्छा एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि इसके स्टीप सस्पेंशन के होने की वजह से इसका परफॉर्मेंस, आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज नहीं करोगे तो वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। तो मीन्स ये जो कार डिज़ाइन की हुई, ये डिज़ाइन की हुई आपको सिटी और हाईवे के लिए, आपको ख़राब रास्तों में आपको परफॉर्मेंस इसका सस्पेंशन सेटअप है वो अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन हाईवे में आपको इसका बढ़िया प्लस पॉइंट मिल जाएगा। जो ऑन रोड प्राइस है वो 13,09,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है। तो ये कार जो इसका स्पेशली जो ये वेरिएंट है, ये वेरिएंट ऐसा है कि आपको कस्टमर को जो बेसिक नीड्स है वो सारी नीड्स इस वेरिएंट्स का आपको फुलफिल हो जाएगी। तो ये मॉडल में सेल्टोस में बोल सकते हैं ये वैल्यू फॉर मनी रहेगा। जब इसका जो आप लेते हो तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो कस्टमर की बेसिक नीड है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो वैल्यू फॉर मनी आप मॉडल बोल सकते हो। तो इसका सेल्टोस का STK प्लस ही रहेगा। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, आपको जो फंक्शन चाहिए, रियर पार्किंग कैमरा सेंसर और अच्छा खासा आपको स्टीयरिंग भी मिल जाएगा, स्टीयरिंग में भी जो आपको क्रूज कंट्रोल है वो सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो आपको जो बेसिक नीड्स है वो आपको सारी यहाँ पर ऑफर होती है। तो ये वेरिएंट है वो वैल्यू फॉर मनी ऑफ कोर्स रहने वाला है। इसकी जो सीट की पोजिशनिंग है वो आपको अच्छी खासी मिलेगी, आपको विजिबिलिटी अच्छी खासी मिलती है, आपको कुछ एयरी फील होगा, कहीं पर आपको ब्लॉक के ऐसा कुछ लगेगा नहीं, विजन ब्लॉक नहीं होगा, आपको सारा जो विजिबिलिटी वो अच्छी खासी मिलती है। जो इसकी सीट की पोजीशनिंग है वो आपको थोड़ी अपसाइड के ऊपर लगती है, तो आपको आसानी से बहुत अच्छे से इसको ड्राइव कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। तो एक विजिबिलिटी में कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। इसका इंजन रिस्पॉन्स है वो अच्छा खासा है। इसका जो यहाँ पर सेल्टोस का एक बोल सकते हो, क्योंकि आपको क्लच थोड़ा हार्ड लगेगा, क्योंकि आप दूसरी कार ड्राइव करते और फिर किया सेल्टोस को ड्राइव करते तो आपको थोड़ा फील होगा कि इसका क्लच थोड़ा हार्ड है। बाकी और कुछ आपको यहाँ पर ट्रांसमिशन में कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है, इंजन में कुछ दिक्कत आने वाली। जब ये कार लॉन्च हुई थी तो लोगों को DCT में थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, वहाँ पर जो इसका DCT है, जो गियर बॉक्स है, उसमें कुछ गर्म होने के चांसेस ज़्यादा, वो उसकी वार्निंग आ जाती थी, वहाँ पर कुछ दिक्कत होती थी। वो समर में आप वहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें फेस हुई थी, लेकिन कंपनी ने उसको ज़्यादातर कंप्लेंट जो थी वो सॉर्ट आउट कर दिए, तो अब कोई कंप्लेंट मेजरली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी नई सेल्टोस में। किया और MG के बारे में बात करूँ तो जब MG ने सबसे पहले इंडिया में बात कर दी थी कि उनकी कारें आ रही है हेक्टर और किया ने बाद में, तो किया को ज़्यादा सक्सेस मिली उसका मेरिट पॉइंट व्यू से ये है क्योंकि MG ने बुकिंग स्टार्ट कर दी थी, लोगों की बुकिंग ले ली थी। लेकिन जब किया ने लॉन्च की सेल्टोस तो उन्होंने डिलीवरी बहुत ही जल्द फास्ट कर दी थी, तो इसकी वजह से किया को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला जो MG को नहीं मिला है। MG की बुकिंग अच्छी खासी थी लेकिन वो डिलीवरी नहीं कर पाए उसकी वजह से लोगों ने बुकिंग कैंसिल करके सेल्टोस ली और सेल्टोस को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। तो ये एक थोड़ा मेरे तरफ से पॉइंट व्यू है कि जब MG ने लॉन्च की थी सबसे पहले लोगों ने उसको रिस्पॉन्स भी अच्छा दिया था, लेकिन बुकिंग भी अच्छा खासा मिला था, लेकिन उन्होंने डिलीवरी नहीं कर पाने की वजह से वो जो रिस्पॉन्स है वो किया की तरफ चला गया। फ्रेंड्स, जो इसका किलोमीटर घुमा है वो 2,575 किलोमीटर ये कार घूम चुकी है, फिर भी आपको जो टाइम के होने के बाद भी जो कंप्लेंट्स आते हैं वो ऐसे कुछ मेजर कंप्लेंट्स मुझे यहाँ पर कुछ नोटिस नहीं हुए। और आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको और भी वीडियोज़ हमने रिव्यू शूट किए, इसका कस्टमर रिव्यू भी शूट किए, तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन के ऊपर कर दिए तो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।